नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल, और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। पहले पटना, फिर बेंगलुरु और उसके बाद अब मुंबई में इंडिया गठबंधन अपनी ताकत को दिखा चुका है, 2024 को लेकर अपने इरादे को साफ कर चुका है, क्योंकि 2024 का रण बेहद करीब आ गया है। सियासी दल अपने रण कौशल का ताना बाना बुनने में तेजी से जुटे हैं, तो इसी कड़ी में आज इंडिया अलायंस की दिल्ली में अहम बैठक चल रही है। दरअसल ये मीटिंग इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की है। 14 सदस्यीय समन्वय समिति के सदस्य पहली दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर मंथन होगा और उसके बाद फिर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति बनाएंगे। सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि गठबंधन के भीतर से ही कई नेताओं ने सीट बंटवारे के फॉर्मूले को जल्द तय करने की बात भी कही है, ताकि लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार वो खड़ा करे। लेकिन इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ आज बीजेपी की भी अहम बैठक है। बीजेपी हेडक्वार्टर में तकरीबन 6:30 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर बातचीत होगी, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या फिर अब हम आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भव्य आयोजन G20 का रहा, जिस तरीके से सफल 18वां शिखर सम्मेलन G20 का रहा, उसके लिए प्रधानमंत्री से जो बीजेपी के तमाम मंत्री हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं, वो उनसे मिलना चाह रहे थे, उन्हें बधाई देना चाह रहे थे, इस वजह से भी प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं। हालांकि इस पर बातचीत अभी चल रही है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर दोनों ही खेमों में चुनाव को लेकर के क्या तैयारियाँ हैं, दोनों ही पार्टी बैठक कर रही है, इस पर क्या कुछ होगा। सबसे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट हमारा देखिए, उसके बाद फिर आगे डिबेट में। 26 दल आज बैठने वाले हैं, सुबह से ये न्यूज टीवी पे चल रहा है, मगर कुछ चैनल ये भी दिखा रहे हैं कि इस मीटिंग में सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी बैठ के चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कौन किस सीट से लड़ेगा, प्रचार क्या होगा, चुनाव के मुद्दे क्या होंगे, मगर सुबह से ये भी देख रहे हैं कि आपस में खींचातानी, कोऑर्डिनेशन हो, उससे पहले नॉन कोऑर्डिनेशन, नॉन कोऑपरेशन शुरू हो गया है। हरियाणा में सीट कैसे बटेगी, जेडीयू में क्या होने वाला है, अधीर रंजन चौधरी जी ममता बनर्जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिसकोऑर्डिनेशन आरंभ हो गया है। तो दरअसल ये कोई सीट शेयरिंग, प्रचार प्रसार, मुद्दों और मैनिफेस्टो की बैठक नहीं है। जो 2-3 दिन पहले उनके एक महत्वपूर्ण सदस्य ने कहा था कि हम 26 पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारा एक ही मत है कि हिंदू धर्म को किस प्रकार मिटाना है, हिंदू धर्म को किस प्रकार समाप्त करना है, आज एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की उसी विषय पर बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी क्यों नहीं जा रही, ममता बनर्जी को जाना चाहिए और किसी को भेज सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं भेज सकते। तो सभी पार्टियों ने जो सेकेंड रन के लीडर्स हैं उनको उस कमेटी में डाल दिया जो निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। निर्णय लेंगी ममता बनर्जी, निर्णय लेंगे लालू प्रसाद यादव, भेज दिया तेजस्वी यादव को, और जिस लेवल के लोग उनकी, न तो आपस में कोई केमिस्ट्री है, न एक दूसरे से बेहतर उनका कोई परिचय है। अब स्टालिन का क्या परिचय ललन सिंह से, कभी एक दो बार मुलाकात हुई होगी। तो इस तरह की कोऑर्डिनेशन कमेटी में तो केमिस्ट्री मिलना चाहिए, नेता एक दूसरे को जानते हैं समझते हैं, एक कमेटी में बैठे लोग तो किसी निर्णय लेने की क्षमता ही रहती है, उनको तो इम्पावर्ड ही नहीं है कोई निर्णय लेने के लिए। ये गुरुओं की गिनती गुरु घंटालों के गणित को कच्चा देगी, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुरुओं की गिनती गुरु घंटालों के गणित को कच्चा देगी कि इस गठबंधन में गुरु जो है वो फुटकर में है और गुरु घंटाल थोक में है, और जब इस तरह की स्थिति होती है तो बिना वैकेंसी के वर्चस्व की वर्जिश चल रही है। अब इनको, इनकी कोशिश ये है कि हम जो है वो बिना वैकेंसी के भी रोटेशन का प्रधानमंत्री बना लें, तो इन जो परिवार है वो चाहता है कि रोटेशन का प्रधानमंत्री, पब्लिक चाहती है परफेक्शन वाला प्रधानमंत्री, और वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो एक तरफ रोटेशन के प्रधानमंत्री का जुगाड़, और दूसरी तरफ जो है वो परफेक्शन के प्रधानमंत्री जी के, प्रधानमंत्री के लिए जनता का जुनून। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस, अभिषेक बैनर्जी
तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। अभी अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई, लेकिन वो नहीं आ सकते, इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। आज की तारीख उनको ईडी का समन्स है और बुलाया गया। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी जो फैसले लेगी, कोऑर्डिनेशन समिति से जो एक प्रकार का कंसेंसस बनेगा, उसी के अनुसार आगे का कैसे गठबंधन में सीट शेयरिंग का कम्प्लेक्शन रहेगा उस पर चर्चा होगी। आज सीटें जरूरी नहीं है, आज किस राज्य में किस पार्टी को गिव एंड टेक करना पड़ रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, वो जरूरी नहीं है। जरूरी भारत देश है, देश को बचाना जरूरी है। अगर 2024 के चुनाव में देश नहीं बचा तो हो सकता है इस देश में संविधान और लोकतंत्र दोनों समाप्त हो जाएं। इसलिए देश जरूरी है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, मतभेद और मनभेद जरूरी नहीं है। और इस स्पिरिट के साथ अलायंस के भीतर चर्चा होनी चाहिए और इसी स्पिरिट के अनुसार अलायंस के भीतर चर्चा होगी। सीट शेयरिंग जिसको मीडिया के साथ ही सबसे महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, वो उतना मुश्किल नहीं है। इस तो आज की कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग में बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मसलन यहाँ से आगे कैंपेन कैसे चलेगा, रैली का क्या होगा चरित्र, कौन कौन से मुद्दे हमारे वैसे प्रबल मुद्दे हैं जिसे हिंदुस्तान में बिसरा दिया गया। तो इंडिया अलायंस की पूरी कोशिश होगी कि जो लोकोन्मुख मुद्दे हैं उनकी एक फेहरिस्त हो, उसके आधार पर चर्चा के बाद अलग अलग राज्यों में उसको लेके संदेश को लेके जाया जाए, वही मीडिया के लोगों के लिए भी टॉकिंग पॉइंट हो। इन सब संदर्भों में आज बातचीत होगी मुकम्मल। तो तीन तस्वीरें आज की, जहां पर आप देखिए 28 बड़ी पार्टियां आज दिल्ली में शामिल हुई हैं और साथ ही बैठक जो है वो पहले राउंड की हो चुकी है, दूसरे दौर की बैठक भी होगी। कहा जा रहा है कि इन 28 पार्टियों में तालमेल बिठा करके सीटों का जो बंटवारा है वो करना थोड़ा सा टफ होगा। और इसी पे सवाल है कि आखिर ये पार्टी 28 सीटों को कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ बांट पाएगी, जहां पर मनमुटाव भी है, आपसी द्वेष भी है, आपसी कलह भी है और 28 बड़ी पार्टियां हैं। उनमें से देखिए अभी कांग्रेस के साथ ये पूरा का पूरा गठबंधन है, जिसमें अधीर रंजन चौधरी जो कि ममता बनर्जी अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता की, उसके बाद फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज का आयोजन किया, उसमें गई तो उसके बाद उन्हें ट्रोल कर दिया अधीर रंजन चौधरी ने। उसके बाद फिर नीतीश कुमार गए, उन्हें भी ट्रोल कर दिया पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने, जयराम रमेश ने। साथ ही आप देखिए जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो भी गए, उन्हें भी ट्रोल कर दिया। अब ऐसे में ये भी समझ रहे हैं कि हमें पार्टी के साथ अलायंस में अगर रहना है तो कुछ चीज़ों पर उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसा आलाकमान कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। अब ये समन्वय क्या बैठ पाता है या नहीं, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो नज़र है वो पार्टी के बंटवारे पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, बड़े चेहरे हैं जो आज पहुंचे हैं दिल्ली में। लेकिन ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी आज चुनावी रणनीति पर चर्चा होनी है। मिलवा देते हैं आज आपको हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस शो में महेश वर्मा, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस की, आपका इंतजार था, बहुत बहुत स्वागत आपके साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शबीर अहमद, विद्रोही नेता NCP के, बहुत बहुत स्वागत आपका। अश्विनी मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत आपका। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस की, ना ताल ना मेल, सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देती हूँ, ये जो समन्वय बैठक है बंटवारे के साथ साथ और भी बहुत अहम मुद्दे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि आगे प्रचार कैसे होगा, रैली के लिए क्या अहम मुद्दे होंगे, इस पर चर्चा होगी। और दूसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ, देखिए लगातार इसके ऊपर प्रयास लगाए जा रहे थे कि सीटों के बंटवारों को लेकर, ये देखिए इतना मुश्किल नहीं है, सीटों का बंटवारा नहीं है। सरकार इससे पहले भी हमारी बैठकें रही, वो बहुत सफल बैठक रही और उस सफल बैठकों का नतीजा है कि आज जो है दिल्ली में बैठक होने जा रही है, उसमें भी जो सीटों का बंटवारों को लेकर आगे होगा ये रणनीति जो होगी तय कर ली जाएगी। लेकिन मुझे जो कहना है, सबसे अहम मुद्दा जो है कि देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि हाथों में रहा पत्ता साबित होगा, और बुरे हाथों में रहा तो बुरा साबित होगा।
क्यों कह रही हूँ, देखिए जब अभी G20 की बैठक हुई, क्या देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता को बुलाने की सोची कि विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाए? ऐसा कुछ नहीं कर रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी इंडिया अलायंस पर कटाक्ष करती जा रही है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, विपक्ष के नेताओं को बुलाना था टीना, किस पे प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया, मैं नहीं समझ पाई। जी मैं खड़के जी की बात कर रही हूँ, खड़के साहब की बात कर रही हूँ। जी तो ये तो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको नहीं बुलाने की बात थी, क्योंकि बीजेपी के पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्हें भी नहीं बुलाया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष, उन्हें नहीं बुलाया गया। ये पहले से तय था पार्टी के अध्यक्ष को नहीं बुलाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिनके हाथ में है, जो कि राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसे न्योता निमंत्रण दिया जाएगा, उन्हें बुलाया गया, चाहे वो बीजेपी शासित हो या फिर कांग्रेस शासित हो, उन्हें बुलाया गया। ये तो पहले से ही तय था। देखिए मैं ये इसलिए कह रही हूँ, अभी संबित पात्रा साहब जो कह रहे थे कि लोकतंत्र की जननी भारतीय जनता पार्टी, तो लोकतंत्र में ऐसा कब हुआ, इससे पहले कभी हुआ कि विपक्ष के नेताओं को नहीं बुलाया गया? लगातार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उन लोगों को नहीं बुलाया गया है जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेहरे नहीं है, उन्हें नहीं बुलाया गया। ये तो पहले से तय था। जी देखिए ऐसा इससे पहले की बैठकें जब भी हुई है इस देश के अंदर, ऐसा क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ आप अपडेटेड नहीं है टीना कर्मवीर, आप एक बार देख लीजिए। आप हमारे साथ और भी मेहमान हैं, मैं थोड़ा फौरन हाजिर होती हूँ आपके पास, आप तब तक थोड़ा सा अपडेट ले लीजिए, कुछ गलत ना बोले उनसे बेहतर है, आप देख लीजिए। हमारे साथ एनसीपी के नेता भी हैं सबीर शाह साहब। आज जो बैठक होने वाली है, बड़ी बैठक है दिल्ली में सबीर जी, इंडिया अलायंस की। इस इंडिया अलायंस की बैठक में एक तो समन्वय, तालमेल, सीटों का बंटवारा, साथ ही एक दूसरे के साथ कैसे हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इस पर भी ये बैठक है। इसके अलावा और क्या कुछ देखने को मिलेगा, और सीटों का बंटवारा खासकर पार्टी कैसे करेगी? अनम्यूट कर दीजिए। शबीर जी अब म्यूट है शायद, अब आप हाँ अनम्यूट कर दीजिए बस। चलिए मैं आपके पास से भी आती हूँ। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में मौजूद है सैयद जवाद जी। सबीर जी से मैंने जो सवाल पूछा, सेम सवाल आपकी आपसे भी है, लेकिन शुरुआत एक शेर से। देखिए शेर पे ये है कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। देखिए क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले, आपको पता होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हैं, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो परेशानी है, जो एक बेचैनी है, वो साफ जाहिर हो रही है। और इससे पहले RSS का आपको पता है ऑर्गेनाइजर के अंदर भी ये लिख चुका है कि अब माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे के सहारे जीतना बहुत कम मुश्किल है। तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को जो बेचैनी है वो तीन राज्य के चुनाव के अंदर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, जो फूटा सर फुटावर मची हुई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसको देखने की जरूरत है। लेकिन अब तकलीफ क्या है कि 2024 में पिक्चर बहुत धुंधली है, बहुत दूर है, और जो इंडिया का अलायंस है वो बहुत मजबूत है। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां जहां जहां पर मजबूत हों, ये मेरा अपना आकलन है, जहां जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियां बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगी। अच्छा ठीक है, सी समन्वय, क्योंकि 28 बड़ी पार्टियां, ये वो छोटी मोटी पार्टियां नहीं है, उधर भी अलीबाबा 40 चोरों की है, ऐसा मत कहिए। 28 बड़े धुरंधर हैं, सीटों का समन्वय, क्योंकि अभी दो दिन पहले अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को ट्रोल कर रहे थे, नीतीश कुमार को ट्रोल कर रहे थे, झारखंड के मुख्यमंत्री को ट्रोल कर रहे थे, तो ऐसे में कैसे? ममता बनर्जी ने पहले स्टेटमेंट दिया है कि आप हमारे राज्य को पूरी तरीके से छोड़ दीजिए, बाकी राज्यों में जीतने में हम आपकी मदद करेंगे, मेरे राज्य में आप चुनाव में जीतिए, कांग्रेस को बोल चुके हैं। देखिए इसीलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बुलाई, इसीलिए ये सवाल है कि भाई आप कोऑर्डिनेट कैसे करोगे? वही बता रहा हूं, बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस इसमें लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपको बता दूं बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व बहुत मजबूत है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अब आपको सीट वाइज सीट बता दूं,
25 सीटें आती हैं राजस्थान से, और पिछली बार क्लीन स्वीप कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश से आती हैं 29 सीटें, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ से आती हैं आपको 11 सीटें, 10 सीटें आपको आती हैं आपका हरियाणा से, उसके बाद आपको आती और अगर ममता बनर्जी ये कहती है लोकसभा में मैं लोकसभा में मैं मदद करूंगी, आप हमारे यहाँ से चुनाव मत लड़िए, बस बंगाल से आप चुनाव मत लड़िए, तब क्या इस पर समन्वय बना पाएंगे? बिल्कुल बन रहा है इसके ऊपर, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई तमाम चीजों के सहारे जो खेल करने की कोशिश कर रही है उसको विपक्ष मात देने जा रहा है, इसीलिए बेचैनी है। अभी देखिए महेश शर्मा साहब कैसा। अच्छा, एक सवाल जुड़ गए अब सवाल लेने दीजिए। महेश वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, महेश जी आज दिल्ली में भी बैठक है, प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाएगा, 18वें G20 के शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक भारत ने कर लिया, उसके बाद प्रधानमंत्री को सम्मानित किया, अभिनंदन उनका किया जाएगा पार्टी ऑफिस में, लेकिन कहा जा रहा चुनाव समिति की बैठक भी है, प्रधानमंत्री कुछ घोषणा कर सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, क्या होगा? चलिए वापस चलेंगे, हमारे साथ अश्विनी मिश्रा जी हैं, सेम सवाल आपसे अश्विनी जी, प्रधानमंत्री बैठक करेंगे कह रहे हैं, पहले तो उनका अभिनंदन होगा, G20 का सफल आयोजन देश में हुआ उनका अभिनंदन करेंगे पार्टी के तमाम कर्ता कार्यकर्ता, बड़े लोग कार्यकर्ता चाहे वो मंत्री हो, तमाम वो लोग हो, सब मौजूद हैं वहां पर पार्टी ऑफिस में, लेकिन उसके बाद पार्टी प्रधानमंत्री हमेशा से किसी न किसी काम को लेकर के ही अपनी तमाम चीजों को रखते, तो उन्होंने कहा कि आज भी वो आगे आने वाले चुनावों को लेकर के जो चुनाव समिति है उसका हिस्सा होंगे और उस पर बैठक होगी, क्या हो सकता है? अभी सैयद जवाब कह रहे थे कि क्योंकि आज हमारी पार्टी है तो आप लोग 28 बड़ी पार्टी हैं तो अपनी सीटों पर चुनाव अपने कैसे कैसे उनकी स्ट्रैटेजी होगी उसको लेकर के अब आप लोगों ने भी रख लिया है जी। एक तो हमारे सैयद जवाब जी जो है वो मुझे लगता है विपक्ष को ना होकर सिर्फ कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस हिसाब से वो बोलते हैं मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हालांकि वो राजनीतिक विश्लेषक की बात करता हूं। सैयद जी, आप किसी एक डॉक्टर को आईस के डॉक्टर को जाकर दिखाएं, आपको 2024 की तस्वीर धुंधली दिख रही है, वो शायद साफ हो जाएगी, आपकी तस्वीर साफ कर देंगे, आपको एक डॉक्टर देखने की जरूरत है ताकि आपकी तस्वीर थोड़ी धुंधली से साफ हो सके। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी आपको मुझे विपक्ष से बड़ी खुशी होती है, लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था है जब पार्टियां मिला के दो गठबंधन मिला लें, जनता के लिए बड़ी क्लैरिटी रहती है। प्रीति जी, मैं आपके सवाल पे आता हूं, मैं पहले जो बात हुई है उस पर थोड़ा जवाब दे दूं, 20 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बट मेरा सिर्फ ये मेरा आकलन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो कांग्रेस की पार्टी की बात हो, कांग्रेस जो विपक्ष गठबंधन आपने बनाया है सो कॉल्ड पाखंडिया गठबंधन, इसमें जिस हिसाब से वक्तव्य आ रहे हैं आप लोगों का समन्वय बनेगा कैसे? आप बोल रहे हैं सीट बंटवारा आसान नहीं है, बट आपकी चौथी मीटिंग है फिर भी आपका सीट बंटवारा होने का कोई चांस नहीं दिख रहा। राघव चड्ढा एक तरफ तो बोल रहे हैं बहुत आसान है, दूसरी तरफ बोलते हैं हम पंजाब में सीट नहीं देंगे, दिल्ली में सीट नहीं देंगे, तो ये सिर्फ दिखावा है आप लोगों का, दो लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे अंदर समन्वय है, या आपका भानुमती का कुनबा जो है कहीं ना कहीं तरीके से 2024 तक बना रहे, मैं तो इसी की दुआ करता हूं। ठीक है, महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, महेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अभी आपको आवाज आ रही है तभी मैं सवाल पूछूंगी। मेरी आवाज आप तक जा रही है नहीं जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। महेश वर्मा जी, मैं ये पूछ रही थी कि आज बड़ी बैठक है 28 पार्टियों की दिल्ली में, इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी बैठक है। शबीर जी, मैं आपके पास आई थी, आपसे सवाल भी पूछा था, आप म्यूट थे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ आपके पास। हमारे साथ महेश जी भी आ गए, तो अभी क्या एक इंडिया अलायंस दिल्ली में बैठक कर रही है, तब बीजेपी कहा जा रहा है कि उन्होंने आनन फानन में अपनी एक मीटिंग रखी है चुनाव को लेकर के, चुनावी समिति को लेकर के रणनीति पर बातचीत करने वाले हैं, प्रधानमंत्री भी 6:30 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे बीजेपी हेडक्वार्टर, अभिनंदन भी किया जाएगा, रणनीति पर बातचीत भी करेंगे। शब्बीर जी थोड़ा दम धरिए, मैं तुरंत आती हूँ, थोड़ा दम धरिए आप, मैं तुरंत आती हूँ। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल आ रही है महेश जी, आप ही की आवाज अभी जरूरत है पैनल को, बोलिए। अब चलिए ब्रेक आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं में जाएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका इंडिया के सवाल में, वापस चलेंगे, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता महेश वर्मा जी जुड़े हुए हैं, पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हमारे साथ एनसीपी के भी प्रवक्ता हैं, उनके पास भी चलेंगे। जी,
आज जो बैठक हो रही है कोई एनडीए की बैठक नहीं है, जिसको लेकर ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। मैं देख रहा था टेलीविजन चैनल पर कि इंडिया की बैठक हो रही है, INDIE के बैठक हो रही है, इसलिए एनडीए की बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं रणनीति बनाने में लगे हुए। ये तो बिल्कुल मतलब बोगस बात है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जो मध्य प्रदेश और तमाम विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जो है इस मीटिंग को बुलाई गई है, और उसमें जो है जो प्रत्याशियों के नाम है वो तय किए जाने। तो ये जो रूटीन मैटर था, जैसे प्रधानमंत्री जी का कल भी मीटिंग थी, परसों भी मीटिंग थी, पहली सूची जारी हो चुकी है, दूसरी सूची जारी हो जाएगी आज इस मीटिंग के बाद। तो ये मैं स्पष्टता के साथ बता दूं कि इस तरह की कोई भी दुष्प्रचार की हम एनडीए की मीटिंग जो है INDIE की मीटिंग के मद्देनजर कर रहे हैं, उनकी रणनीति की वजह से हम इस मीटिंग को बुलाकर और प्रधानमंत्री ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, तो इस तरह का कोई भी किसी तरह का हम ना सोच रहे हैं, ना उस सोच के साथ INDIE क्या कर रहा है उससे हमारा कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि वहाँ जो कुछ भी तैयारी है किसी भी, वो इसलिए नहीं है कि वो देश के बारे में या पार्टी के बारे में या वो सब अपने बारे में सोच रहे हैं। आप याद करिए, नहीं लेकिन अगर 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 पार्टी के अंदर बैठक, क्योंकि चुनावी समिति की बैठक है, प्रधानमंत्री होंगे उसमें, तो अगर बातचीत चुनावी समीकरण को लेकर, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के है, तो इसमें हर्ज भी कुछ नहीं। अगर कोई पार्टी स्ट्रैटेजी बना रही है तो बना सकती है। अगर आप स्ट्रैटेजी बना भी रहे हैं तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होगी आप लोगों की, पार्टी की? देखिए वो तो क्रेश मीडिया में स्ट्रैटेजी कोई आगे कोई भी पार्टी ना बताती है, ना कहती है, ना शेयर करती है। संभावित बातें जो है वो यही होती है कि काम आगे रखे, और जो इसमें जो सबसे बड़ा एजेंडा है, तो हम जब प्रत्याशियों का जब चयन करते हैं तो उसमें तीन चार चीजों का इस बार हम मुख्य रूप से ध्यान दें। एक तो वो कि भाई जो दलित वंचित शोषित क्लास के लोग हैं उनको हम जरूर लेकर आए, ठीक है। हमारे साथ ज्यादा हम एनसीपी के नेता शब्बीर अहमद भी है, एनसीपी के नेता शब्बीर अहमद भी, उनके पास भी चलते हैं। शब्बीर जी, बहुत देर से आपने अपनी बातों को अपने अंदर दबाए हुए हैं, चलिए बोलिए सर, क्या होगा इस बार इंडिया अलायंस की गठबंधन की पार्टी में जो बैठक चल रही है इस वक्त दिल्ली में, क्या कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्या सीटों को बंटवारा हो सकता है, क्या समन्वय बन सकता है, तालमेल, क्योंकि अलग अलग पार्टी का बड़ा ही अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राज्यों पर मतभेद है। लेकिन आप शुरुआत करिए, जरा शायरी वायरी सुनाइए आप। ऐसा है प्रीति जी कि इस दौर सियासत का बस इतना फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। आज आपके सामने बैठे हुए में हमारे भाजपा के भाई बड़े अच्छे ढंग से बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी बातें कर रहे बहुत थे। बहुत अच्छे से ही बात करते हैं वो, सुनिए सुनिए, वो आगे का रुख देख के मुड़ जाते हैं। अरे अपना पीठ अपने हाथ से नहीं थपथपाया जाता। मैं थपथपा रही हूं सर, काहे आप? अरे आप देखिए, गरीबों की बस्ती छिपाई जा रही है और 21 करोड़ जनता को जिलाया जा रहा है और सोने और चांदी की थाली में खिलाया जा रहा है। आप ही बताइए, मूर्खपना नहीं है तो और क्या है? और इस पर आप कह रहे हैं कि सफल आयोजन हो गया, इसको आप कहते हैं कि ये सफल आयोजन है? जब देश का प्रधानमंत्री खुद बोलता है कि हम 21 करोड़ जनता को जिला रहे हैं, तो ये बात देश के विदेश के लोग नहीं जानते हैं? और उसके बाद बस्तियों को आप छिपा रहे हैं कि झोपड़ी दिखाई न दे, ये सफल आयोजन है? यह गरीबों को कफन ओढ़ाया जा रहा है और दो दोस्तों से दोस्ती निभाया जा रहा है, ये चीज। हमारी बहन बोल रही थी कि इनको नहीं बुलाया, अरे किसको बुलाने पर भी इनके पास कौन जाएगा, कौन जाएगा? कि जो आदमी संविधान का अपमान कर रहा हो उसके साथ जाने की बात कौन सोचेगा? हमारी बहन कह रही है प्रीति जी कि क्या होने वाला है, हम कितना भी लड़ेंगे एक दूसरे पे तंज कसेंगे, ये लड़ाई जनता बनाम मोदी है, पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ना कांग्रेस से है, ना राष्ट्रवादी से है, ना इससे है। जनता कह रही है कि अपमान कर रहा संविधान का सत्ता के बलबूते से, अब तो देश बचाना है इतने बड़े झूठे से,
यहाँ झूठे से देश बचाने की लड़ाई है, ये आप याद कर लीजिएगा। आज लेकिन एनसीपी के प्रवक्ता होकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का रोल निभा दिया आपने। चलिए ठीक है, जवाब जवाब महेश वर्मा जी, बहुत 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 भारी काम कर, पढ़ा लिखा अब जवाब तो ले लेने दीजिए। लोगों के बीच जनता की लड़ाई है, जनता की, यहाँ पार्टियों की लड़ाई नहीं है। ठीक है, जो चीजें हैं आप एक बात देखिए। अच्छा, ये कहते थे शबीर जी जनता के नाम 38 की क्यों बारी है, 38 तो क्यों लेकर के। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए शबीर जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। जनता की लड़ाई कहा जाता है पार्टियों में, लेकिन असल लड़ाई पार्टी पार्टी के बीच की ही होती है। वो अपने ही मुद्दों पर बातचीत करते हैं, जर चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अच्छा वैसे काउंटर तो ले लीजिए, महेश वर्मा भारतीय जनता का पार्टी इतना प्रवक्ता है। अच्छा आपके सवालों का जवाब कौन देंगे, सैयद जवाब देंगे या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देंगे, कौन देंगे बताइए। प्रवक्ता महोदय से जवाब तो लेने दीजिए, बोलिए सर जवाब दीजिए। देखिए सवाल ये है, मैं आपसे जो मेरी बात बीच में आप रोक दी थी, 2019 में जब चुनाव हुआ तो ये किसी तरह का कोई अलायंस जो है कहीं सामने दिखाई नहीं दिया। तो आखिर में 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ किसी भी कि अचानक INDAIA का उदय हुआ, उसकी बात जो है समझ में आती है। जब संजय राउत ये कहते हैं कि ये अलायंस इसलिए बना कि कहीं ना कहीं ED और CBI में जो हमारे भ्रष्टाचारी नेता के ये उठा उठा के बंद कर रहे हैं उनसे हमें बचना है। राघव चड्ढा ये कहते हैं कि लोकतंत्र और प्रजातंत्र को तभी बचाया जा सकता है जब हम बचेंगे। तो ये पहले स्पष्ट कर दें कि INDA का जो मैनिफेस्टो में ये होगा या नहीं होगा कि जैसे ये सत्ता में, अगर इनको बाई दी सत्ता आ गई तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं ये अपने लिए कानून लाएंगे। जैसे मनमोहन सिंह मध्य प्रदेश का भ्रष्टाचार है वो भी बता दीजिए साहब। लालू जी मध्य प्रदेश के अंदर व्यापक घोटाला जो है वो भी उजागर करिए, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले नीति वाले लोगों को भी बताइए। और जो जूता पैदार मध्य प्रदेश के अंदर मची हुई है ज्योतिराव सिंधिया के बीच, और उसके बाद आप देखिए नरोत्तम मिश्र के बीच, और उसके बाद पहले बोले तो दीजिए कब से आप देखिए ना क्या भारतीय जनता के प्रवक्ता कब से होगा। अच्छा वाले बात रख लीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी जवाब में, आपको पूरा मौका दूंगी। अरे शबीर जूता पैदार से देखिए, राजस्थान के अंदर देखिए ना, वसुंधरा राजे सिंधिया के अंदर बताइए। चलिए प्रीति 10 सेकंड दे दिए, महेश शर्मा जी आपको खुला चैलेंज है टेलीविजन पे, बताइए 3 राज्यों का मुख्यमंत्री आपका कौन होगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आपका कौन होगा, चलिए बताइए तीनों का नाम। आप इनको प्रीति जी आप बताइए, चले अभी ना घुमाइए प्रीति जी के सहारे मत रहिए, अपना जवाब दीजिए यहाँ पर आकर के। 3 राज्य के मुख्यमंत्री कौन होंगे उनका नाम बताइए। यही कंट्रोलर कमांड, यही आपकी, हाँ पूरे देश के कंट्रोलर कमांड तो आपके हाथ में है ना, पूरी मीडिया के ऊपर कंट्रोल कमांड आपका है। ये धमकी नहीं चलेगी, ये धमकाना नहीं चलेगा। और 2024 के बाद आपको और पूरे देश की जनता को हर जगह मोहब्बत 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 ही नजर आएगी। अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, आपने फैला रखी अश्विनी मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक। महेश वर्मा जी की आवाज बहुत कम आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, उसे बढ़िया अश्विनी जी बोल रहे हैं, थोड़ा बोलिए अश्विनी जी, काउंटर कीजिए। सैयद जवाद ने बहुत कुछ बोला है, बोलिए प्रीति जी। कांग्रेस में एक तरफ अधीर जी के पास धैर्य नहीं, अधीर हो रखे, थोड़ा तेज बोलिएगा, इतना चिल्ला के सैयद बोल रहे हैं कि आपकी आवाज वाकई इनके कानों तक नहीं आएगी। जी मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस में अधीर जी को धीर नहीं है, अधीर हो रखे हैं, अलका लांबा लंबी लंबी फेंक रही हैं। और सैयद आपको बोले दूंगी लोगों ने हाथ के अंदर चप्पलें पहन रखी है, जो पैरों के अंदर चप्पलें पहननी चाहिए थी एक दूसरे के लिए उन्होंने हाथों में चप्पलें पहन रखी, कह रहे जो दिखेगा वही गाल बजा देंगे, तड़ा तड़ तड़ा तड़ एक दूसरे के लिए। यही स्थिति आपकी मध्य प्रदेश में, यही स्थिति राजस्थान में। अरे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने नई पार्टी बना ली है, पता है कुछ आपको, जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। संघ के लोगों ने पार्टी बना ली है मध्य प्रदेश में, मामा के खिलाफ कह रहे हैं आपको घोटाला, और नहीं होगा 50% कमीशन खाने वाली सरकार को इस बार विदा कर देंगे। काम रह गया क्या, अब बोलने दीजिएगा आप सही जवाब प्लीज।
बोले दीजिए कि इतना काउंटर चिल्लाइएगा आप लोग, फिर किसी को प्लीज करिएगा तो किसी को आवाज नहीं आएगी, किसी को भी आवाज नहीं आएगी। मैं खामोश बैठा हूँ, बोलिए आप अपने अश्वनी जी। नहीं नहीं, आप पाखंडिया के गठबंधन की आप राजनीतिक मजबूती देखिए कि जो शिवसेना हिंदूवादी झंडा लेकर के खड़ी होती है वो स्टालिन जैसे लोगों को गले लगाती है जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। ये बात करते हैं, ये सवाल पूछेंगे कि कौन बोले दीजिए होगा ये जवाब, कंप्लीट करने दीजिए ना, आप भी थोड़ा दम धरिए। आप बता सकते हैं कि आपके गठबंधन पार्टियां आखिरी तक रहेंगी? शबीर जी और नहीं, शबीर जी जब तक आप लोग सवाल नहीं सुनेंगे, आप सवाल कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों के सवालों के जवाब आप लोग नहीं दे रहे हैं, आप सवाल भी नहीं सुन रहे हैं। आपका आप लोगों का अलग अलग एजेंडा, आपसे एजेंडे पे बात करेंगे उसके लिए डिबेट शो नहीं है सर, प्लीज। अच्छा इनको बात तो रखने दीजिए, मुझे मत चिल्ला, मैं नहीं चिल्लाना चाह रही हूँ सर, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। अश्विनी जी बोलिए, अपनी बात रखिए। प्रीति जी शायद इनको अगर सुनने की आदत होती, इन्होंने जनता की सुनी होती तो आज ये विपक्ष में नहीं होते। जो जनता की सुनेगा, जो उनके कोर मुद्दों को एड्रेस करेगा, वो कहीं ना कहीं इस देश में सरकार चलाएगा। आप कितनी भी हल्ला कर लो, आप ऐसे दिखा रहे हैं कि प्रीति जी एक कहावत है, जो कल तक थे कातिल वो आज मजलूम हो गए। तो जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का नाश कर दिया, 4100 करोड़ खर्च कर दिए, वहाँ क्यों छुपाई गई सर, थोड़ा सा जानकारी रखिया करिए। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष आते हैं तो सारी चीज़ों के एरिया को सैनिटाइज नहीं कर सकते, तो बहुत सारे एरिया कपड़े से ढके जाते हैं। और अगर आप मान लो कि गरीब बस्तियों को छुपाया गया था, जब ये लोग राजघाट पे गए थे गांधी जी की समाधि पे, तो क्या वो भी गरीब गए थे? तो आपका ये जो क्लेम है कि जो गरीब बस्तियां छुपाई गई थी, ये गलत है, थोड़ा जानकारी रखा करिए सर। और रही बात दूसरी, जो आप बोल रहे हैं कि थालियों में खिलाया गया, मुझे तो बड़ा डर है सर, आपके यहाँ हम आएंगे तो आप मुझे क्या पत्तल में खिलाएंगे, क्या क्या किस प्लेट में खिलाएंगे सर? मेहमान आते हैं। महेश जी बहुत देर से बोलना चाहते हैं, महेश जी को बोलने दीजिए, थोड़ा सा पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ा तेज बोलिएगा महेश जी की। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि आखिर में INDA का कौन सा ऐसा चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनेगा, और ये सारे के सारे आज राहुल गांधी जो है बेल पे हैं, सोनिया जी बेल पे हैं, चिदम्बरम जी बेल पे हैं, एक दर्जन नेता आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिसका 1100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच है ईडी में, वो देश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है जिसके घर पे 1100 करोड़ रुपया मिल रहे हैं कैश, वो देश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। तो सवाल यह है कि जो ममता बनर्जी आज के डेट में है, जिनके खिलाफ चल रहा है आज की डेट में CBI केसेस हैं, उसी प्रकार से आप आ जाइए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या है, उसी प्रकार से आप आ जाइए यहाँ पे तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या है, आज लालू यादव के खिलाफ जो है नौकरी के बदले जमीन का जो है डिटर्जेंट बेचने पे आ गए तो मुझे बोलना पड़ेगा, तभी ना काउंटर कीजिएगा, सामने आएंगे, मुझे भी रीजनल लैंग्वेज में बोलने मजबूर कर देते हैं आप लोग प्रधानमंत्री का। तो इनसे क्या ये देश जो है जो आज जिस तरह से खुशहाली के दौर में है, क्या ये वो लोग होंगे जो कि इस देश को चला पाएंगे? ये रोटेशन के बेसिस पे जो चलाना चाहते हैं, इस रोटेशन का मतलब क्या है ये समझाएं। वो अडानी साहब समझाएंगे, टीना समझाएंगे, वो टीना समझाएंगे, समझा रहे हैं वो टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस की, वो समझाएंगे प्लीज। टीना करमवीर आप लोगों का नाम है, आप लोगों में से किसी का नाम टीना करमवीर है तो हाथ उठाएं। रुक जाइए टीना, आप लोगों में से किसी का नाम टीना करमवीर है तो हाथ उठाइए। अरे उनका सब समय है, बहुत देर से बैठी, उनको बोलने तो दीजिए, बोलिए टीना जी। देखिए अभी महेश जी ने जो कहा कि हमारे पास चेहरे, हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं। देखिए ये विकल्प की अगर उपलब्धता होगी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, और अगर विकल्प की अनुपलब्धता नहीं है, है तो देखिए अब हम इनसे पूछेंगे कि मोदी जी के अलावा जो है नितिन गडकरी को यह चेहरा देखना पसंद करेंगे? ये सिर्फ मोदी 2.0 ये करते रहते हैं। इसमें तो RSS ने ही इन चेहरे को मना इनकार कर दिया कि मोदी जी का मैजिक खत्म हो गया, अगले चुनाव जो है मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। तो पहले तो ये चेक करें कि इनके पास कौन सा चेहरा है। अभी मैंने खाली की बात की, देखिए महंगाई की अगर बात की जाए, अच्छा आपकी बैठक में आज बात किन मुद्दों पर होगी? ठीक है आज जो अच्छा प्रवक्ता है कांग्रेस की, टीना मेरी 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 बातों को थोड़ा सुन लीजिए।
प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस की, आज 28 बड़े दलों की बैठक है दिल्ली में इंडिया अलायंस की। यहाँ इस बैठक में पार्टी किन मुद्दों पर बातचीत करेगी वो देश को बताना होता है, अगर आपको पता है तो जरा शेयर कीजिए प्लीज। जी देखिए, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो मुद्दे होंगे कि रैली में हम क्या मुद्दे लेकर जाएंगे, जनता के बीच कौन कौन से मुद्दे हैं, उसके ऊपर एक जिसे कहें कि एक व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा बड़ी बात। और दूसरी बात जो है कि लगातार इस देश में देखिए बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ गया है, उस पर बात की जाएगी कि इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर लगातार देखिए बेरोजगारी किस कदर बढ़ रहा है उसके ऊपर बात की जाएगी। और सीटों को बंटवारों को लेकर जैसे मैंने पहले कहा, इसके ऊपर कोई अभी मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती हूँ क्योंकि ये मीटिंग के बाद मतलब बात होगी, सीटों के बंटवारे को लेकर के मीटिंग होगी, बातचीत होगी, डिक्लेरेशन बाद में आएगा कि क्या बातचीत हुई है, लेकिन मीटिंग होगी। ये आप कह रही हैं कि मीटिंग होगी, सीटों के बंटवारे को लेकर के बातचीत होगी, लेकिन आप डिक्लेरेशन नहीं दे सकती, वो जब पार्टी की तरफ से ऑफिशियली बोला जाएगा तब आप कहेंगी, ये आप बोल रही हैं। जी ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा अगर आपके पास कुछ हो कि हाँ हम पार्टी में समन्वय बिठा करके ये करेंगे तमाम पार्टियों में, क्योंकि आपने देखा अभी मैंने ट्रोल वाली बात कही थी कि अलग अलग आप ही के खेमे कि इंडिया अलायंस के लोग ही ममता बनर्जी को ट्रोल कर देते हैं, धीरंजन चौधरी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने, नीतीश कुमार ट्रोल हो जाते हैं रात्रि भोज में, राष्ट्रपति के भोज में जाते हैं तो वो ट्रोल हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में जब पार्टी के अंदर ही अपने ही अलायंस के लोगों को ट्रोल करेंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो फिर यहाँ पर समन्वय, एक सेकंड, समन्वय कैसे बिठाइएगा इस पर जवाब दीजिए ना, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये जनता का सवाल है जो जनता आपको वोट देगी आने वाले समय में। देखिए प्रीति, इस समय हम लोगों की लड़ाई जो है कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं रह गई, इस समय लड़ाई हमारी क्रिमिनल माइंडसेट के साथ लड़ाई रह गई है, क्योंकि लगातार देखिए अभिषेक बनर्जी आने वाले थे ईडी के, वहां पर जिस तरीके से उनको घेरा गया है और लगातार लालू जी को लेकर या जितने लोग हैं विपक्ष के आजम खान से लेकर सब लोगों के साथ जो इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ ये लगातार इस तरीके का प्रताड़ना कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सीटों का बंटवारा जिस प्रकार देखिए हमारी 3 बैठकों में जो जो रणनीति बनाई गई उसको कार्यान्वित भी करने की कोशिश की गई, और आने वाले समय में ये हम एक ही वैसी दिल्ली में जो बैठक हुई इसी से तय नहीं करेंगे, आने वाले समय में जो बैठकें लगातार अभी हैदराबाद में होगी और आगे आने वाले समय में बैठकें होंगी तो उसके ऊपर रणनीति बनाई जाएगी। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, देखिए इंडिया अलायंस की ताकत है जहाँ पर ये मैं राहुल गांधी जी की भी ताकत कहूंगी कि लगातार जब नाम रखा गया है इंडिया और जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, तो देखिए राहुल गांधी जी ने जो फील्डिंग तैयार की उस पर भारतीय जनता पार्टी खेलने आ गई कि हम इंडिया का नाम जो है भारत रखने वाले हैं। देखिए किस प्रकार की ये महेश वर्मा जी जवाब देना चाहो, आप महेश वर्मा जी के पास चलेंगे, महेश वर्मा जी बोलिए। धर्म को खत्म करके इंडिया जुड़े, महेश वर्मा जी। प्रीति जी एक बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि INDA वाले उसको कंसील करके ये मीटिंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने अपना 10 प्रत्याशी घोषित कर दिया, समाजवादी पार्टी ने वहाँ अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, छत्तीसगढ़ में NCP ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, ये कौन सा अलायंस है? पंजाब में जो है, पंजाब का जो कांग्रेस अध्यक्ष है वो कह रहा है कि अगर यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ किसी अलायंस हुआ तो यहाँ पार्टी की 2 पार्ट तय है। सवाल यह है कि अगर इस तरह के ठीक है, जनता को मूर्ख ना समझा करिए, और ये गोल गोल जलेबी और बातों की बातें पर घुमाया करिए, ये क्या तरीका है? आप पढ़े लिखे जी, आप सवालों के जवाब दीजिए, आप मेरी बात के जवाब दो, जो कहना है कहिए ना। और वहीं जो थे विधानसभा के चुनाव हो रहे थे आपके अगेंस्ट में लड़ रहे थे और वो NDA के पार्टनर थे, ये कैसे हो गया? उसके बाद भी तो बोलिए ना, आपका गठबंधन अड़तीस पार्टी वो कैसे है? उसके बाद अभी आपने ओपी राजभर को लिया, वो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी के कोसते थे और क्या क्या कहा उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, उसके बाद लबड़ 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 आपको अच्छे लगे फिर ले लिया आपको, ये तो राजनीतिक बेगरती हुई जो याद रखिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? और बड़ी खबर हमारे बीच आ चुकी है, आपको बता दें बड़ी खबर, बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होने वाला है, थोड़ी देर में 6 बजे 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे,
और ऐसे में G20 के सफल आयोजन पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा, अभिवादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और आप ये देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय की तस्वीर है ये, और बीजेपी हेडक्वार्टर की सीधी तस्वीर इस वक्त हमारे पास आ रही। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि यहां पर स्वागत के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे, और साथ ही हम आपको बता दें कि जिस तरीके से G20 के 18वें शिखर सम्मेलन को भारत ने संपन्न कराया है, उसके बाद लगातार ये मांग उठ रही थी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि प्रधानमंत्री का वो अभिवादन करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पार्टी ऑफिस पहुंच गए, उनका अभिवादन करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं कितने उत्साहित हैं, और बस टकटकी नज़र बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है कि कब प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री का अभिवादन किया जाएगा। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, तैयारियां कैसी हैं वहां पर, प्रधानमंत्री कितनी देर में आ रहे हैं? तो थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं। तस्वीरों में लाइव आप देख सकते हैं बड़ी खबर इस वक्त की, और तैयारियां तमाम कर ली गई हैं। जो कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री के अभिवादन और स्वागत के लिए, और पल पल की जो अपडेट है हम आपको पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपको पता होगा G20 के 18वें शिखर सम्मेलन को भारत ने अध्यक्षता की, भारत ने मेज़बानी की, और उसके बाद अब जिस तरीके से भारत ने विश्वगुरु होने का परिचय दिया है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दम दिखाया है, भारत ने दम दिखाया है, अब उनका अभिवादन करने की बारी है। प्रधानमंत्री हेडक्वार्टर जा रहे हैं, वहां से कहा जा रहा है संबोधित भी करेंगे तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को, देश को भी कर सकते हैं। फिलहाल इस पर कोई पुष्टि नहीं है आपको बता दें, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव समिति की बैठक भी है, उसमें भी प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर सकते हैं। यह फिलहाल अभी अपडेट है, इसके बाद कोई अपडेट अगर हमारे पास आती है तो आपको हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।